ख्यालात का इजहार फरमाए। इतने अच्छे फोरम पे बोलने का मौका दिया और इस वक्त सियासत और सहाफत के जैयद उलमाए कराम इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो खरतुल्ला बाबर साहब के तरह थोड़ा सा लाइटर मोड, इमरान खान साहब अगर एक्सटेंशन देने से पहले खरतुल्ला बाबर साहब से पूछ लेते तो वो उनको बहुत अच्छा मशवरा देते और उनको खरतुल्ला बाबर साहब बताते कि एक्सटेंशन देने के बाद इंसाइन क्या डाल और उनको कितने ज्यादा संगीन मसाइल पैदा हुए एक्सटेंशन के बाद। तो मेरा ख्याल है खरतुल्ला बाबर साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी नशस्तें होनी चाहिए और इससे जमहूरियत और आजादी सहाफत के लिए काफ़ी अच्छे मौके पैदा हो सकते हैं। उसके बाद बात हो रही है मिसाक सहाफत की, तो मिसाक सहाफत से पहले मिसाक जमहूरियत हुआ तो जमहूरियत और सहाफत आपस में ही एक दूसरे से बिल्कुल छोटी कानून का साथ है जुड़े हुए और जब तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ सहाफत भी मजबूत नहीं होगी और जब तक आज़ादी सहाफत मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी भी इस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। और इसमें जो तीसरा फरीक है वो बहुत ही स्मार्ट है, ऑर्गेनाइज है, डिसिप्लिन्ड है, तो सारा खेल उधर खेला जाता है। मैं तो जरा उसके बात करूंगा क्योंकि मेरा इस्लामाबाद में सिर्फ 22 साल का एक्सपीरियंस है, फिर ब्यूरो चीफ के तौर पर भी रहा, फिर प्रोग्राम भी करता रहा और इंशाल्लाह वापस आके दोबारा से ये सिलसिला शुरू करेंगे। तो देखो हमें कभी भी मैं अपने जाती तौर पर बता रहा हूँ और हामिद मीर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समी इब्राहिम साहब सब हमारे जितने बैठे हैं, हमें कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट से यानी कि जो सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे कभी हम मसला पेश नहीं आया, वो कभी भी उधर से कभी ये नहीं आया कि ट्वीट रेट कर दें, कभी भी ये नहीं आया कि आप ये अपना टिकर हटा दें, कभी भी ये नहीं आया कि आप अपने प्रोग्राम में ये मौजू ना लेके आए और ये लेके आए, ये कभी भी वजारत इत्तला और नशरियात की तरफ से हमें कभी एडवाइस नहीं आई और वज़ारत इत्तला'आत और नशरियात के नीचे ज़ैली इदारे हैं उनकी तरफ से भी, और हम बहुत ज़्यादा तंकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और सब कुछ करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में, लेकिन वो वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा क्या आता है, वहाँ से ज़्यादा ज़्यादा तब्दील आती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। असल जो मसाइल हैं हमारे वो जुड़े हुए हैं कि आज़ादी सहाफत और जमहूरियत इस सब को जब आप कौमी सलामती के एक सो कॉल्ड और सेल्फ मेड बयानी में आप लिखने की कोशिश करते हैं, हामिद मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, आर्टिकल 19 का जिक्र किया, आर्टिकल 19 में जो आगे जुजियात लगा दी गई हैं साबके और नाके उसमें आके एक बहुत बड़ा बात दे दिया जाता है खुला मैदान कि जनाब आप इदारों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आप कौमी सलामती के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हमें मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि एक एक्ट है इदारे के सरबराह का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सल्ला फाज के सरबराहान जितने भी हैं, एक एक्ट होता है उनका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दिहाई शोबों कौमी सलामती के शोबों में सिक्योरिटी के शोबों में, जब वही सरबराह एक पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हों और पॉलिटिकल डिसीजन लेके मुलाकातें कर रहे हों और फिर पार्लियामेंट के फैसले ड्राइंग रूम्स में हो रहे हों, तो उनका जो ये एक्ट है कैसे हम कह सकते हैं कि वो एक मुसल्ला पाक के सरबराह के तौर पे और ये कौमी सलामती का मामला है और ये इदारों को कमजोर करने का मामला है, ये इदारों को आपस में लड़ाने का मामला है, ये हम कैसे कह सकते हैं। यही चीजें जो पिछले दिनों या इस वक्त बदतरीन मैं कहूँगा सामना है सहाफत को और खासतौर पर हमारे 10-12 दोस्त हामिद मीर साहब माजी में उससे गुजर चुके हैं, मतीब राजान साहब गुजर चुके हैं, असदूर साहब गुजर चुके हैं और हम इस वक्त उसी का प्रोसीजर का हिस्सा बने हुए हैं। तो हमें ना तो हामिद मीर साहब का कोई झगड़ा था सिविलियन गवर्नमेंट के साथ और ना ही
मतलब लाजान का था और ना ही असल तूर का था और ना ही हमारा है। असल मसला यही है कि डिवाइड एंड रूल असल चीज जो है इस वक्त आजादी सहाफत और आजादी राय का ये आप अंदाजा करेंगे कितना क्रूशल इशू हो सकता है कि हमारे जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग हैं वो भी बोलना चाहते हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा दिया गया और उसके बाद उनका पानी बंद कर दिया गया, उनके पेंशन बंद कर दी गई। अब ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है या फिर किसी और ने करना है? पेंशन बंद कर दी, पेंशन बंद करने का मतलब है उनका आपने जो वाश का जरिया वो बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उनका नैरेटिव जो है वो आप आगे ही पढ़ा रहे और उनका जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आगे ही पढ़ा रहे। तो आर्टिकल 19 हो, बाकी मामला हो, फिर इसी तरीके से फरजुल्ला बाबर साहब ने कुछ बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन असल मसला ये है कि जब हमें ताकत मिलती है, जब हमें इख्तियार मिलता है तो उस वक्त हम इन बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये इमरान खान साहब को भी पता है, फरजुल्ला बाबर साहब को भी पता है और हामिद मीर साहब को भी पता है, बाकी जो दोस्त बैठे हैं उनको भी पता है कि वजारत इत्तला'आत में शरियत कौन चलाता है। क्या वजारत इत्तला'आत में शरियत वजीर इत्तला'आत चला रहे होते हैं? क्या वजारत इत्तला'आत में शरियत पीआईबी चला रहा होता है? क्या वजारत इत्तला'आत में शरियत कैबिनेट ब्लॉक चला रहा होता है? कोई भी नहीं चला रहा होता है, वो बेचारे सिर्फ जमा तफ्तीश कर रहे होते हैं। क्या पैमरा को हुक्म वजारत इत्तला'आत में शरियत देता है कि प्लांट टीवी चैनल जो है उसको केबल से उड़ा दें और फलाम को आगे पीछे कर दें? ये वो हकायक हैं जिन पे हमें बैठ के तरीके से सलीके से और मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर आगे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें लड़वाया जाता है सिविलियन को आपस में लड़वा लड़वा से इतनी दुश्मनियां पैदा कर दी जाती हैं कि टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान नवाज के साथ टॉकिंग टर्म नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी के साथ टॉकिंग टर्म नहीं है। एक ये सारा माहौल बनाया जाता है। इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर क्या कुछ नहीं जानते? क्या उस रात स्पीकर को अपनी असेंबली सिर्फ असद कैसर साहब अपनी जुबान खोलते और अपनी लफकुशाई करते हैं तो क्या कुछ नहीं बाहर आ सकता? आर्टिकल 6 से कराया जाता है हमें, क्या आर्टिकल 6 हम लगा देंगे, आर्टिकल 6 में ये कर देंगे? तो आर्टिकल 6 का अगर सही अप्लाई कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ना ही जनरल कैनी साहब का जो जनरल प्रवेश शरद साहब और कला तहरीक और सारी चीजें वो भी बाहर आएंगी और भी बहुत कुछ बाहर आएगा। तो आई थिंक ये हमारे जो इस वक्त बैठे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप और जर्नलिज्म की लीडरशिप जो है आपस में बैठ के जब जॉइंटली जॉइंट वेंचर भी करेंगे आगे भी बढ़ेंगे तब तक ये चीजें सही नहीं होंगी और हमें एडवाइस मिलती रहेगी। इस वक्त भी तमाम प्रोग्राम में मैं चैलेंज करता हूँ कि तमाम प्रोग्राम को एंकर के प्रोड्यूसर को इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक क्या है एडवाइस है, आपने एक्सटेंशन पे बात नहीं करनी, आपने नई तकरबी पे बात नहीं करनी, आपने मुद्दत मुलाकात में तौसी पे बात नहीं करनी, तो ये किस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है? और जो रिटायर्ड फौजी बुजुर्ग भी तनकीद वो फाइल इख्तलाफ राय रखते हैं और इजहार राय करना चाहते हैं वो तमाम जो इनके पैनल पे थे कि बताया जाता था कि हमें ये लोग हैं कि इनको आप लिया करें टीवी चैनल पे अपने प्रोग्राम थे, अब वो नेगेटिव लिस्ट में चले गए हैं और पॉजिटिव लिस्ट में कोई और आ गया है। पाकिस्तान टेलीविजन रोजगार के इख्तलाफ में शिकार हो उसमें मेरा भी ख्याल कि उन इदारों का कोई रोल है क्या ISPR में, क्या ISPR में कुछ सिविलियन जाके वहां पे बैठ के पॉलिसी बनाते हैं कि कैसे चलाया जाएगा ISPR? जब वो आपको उन्होंने तो नो को एरिया को रखे हुए नो को एरिया वो तो प्रोटेक्टेड जोन है, तो फिर क्या वजह है कि शिबली फराज साहब पूछे, फवाद चौधरी साहब पूछे, मरियम औरंगजेब साहब पूछे, ये सारे जो तगड़े वजारत के इतलात में शिकायत के रहे हैं इनको कितने मसाइल का सामना है? जब तक हम हकायक और सही रुख पे नहीं जाएंगे ये लगी लिखी वगैरह बातें नहीं करेंगे, और अगर हमने जमहूरियत को और आइन की बालादस्ती की बात करनी है तो फिर आर्टिकल 19 में ये जो कि बर्स लगाए गए हैं और उसमें जो पॉलिटिकल डिसीजन हैं मुसल्ला बाद के सरबराह करते हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए उनको। और इसी तरीके से मैं अपनी जुडिशरी से भी बात करूंगा कि जुडिशरी भी जब पॉलिटिकल डिसीजन लेती है तो उस पर भी
हमें बात करने का हक मिलना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश है, बाकी आपको यू अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरियां पैदा करें। हम साथियों को तो बड़ी परेशानियां रहती हैं, लेकिन मैंने देखा खान साहब आपकी हुकूमत में एक गिला है,